अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। अभी है सुबह का टाइम और मैंने अपनी बेटी को कॉलेज ड्रॉप किया और यहीं पर मैं बैठी थी तो एक बहुत ही खूबसूरत सा मंज़र मेरी आंखों के सामने आया, तो मैंने सोचा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। यहां देखिए, ये सारे परिंदे एक साथ बैठे हैं और ये सिर्फ एक किस्म के परिंदे नहीं हैं, इसमें कबूतर भी थे, चिड़ियाँ भी थीं और कौवे भी थे। यहाँ अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई देंगे नीचे की तरफ चिड़ियाँ भी हैं और कबूतर भी। तो बहुत अच्छा लग रहा था कि इनमें कितना इत्तेफाक है। हम इंसानों से तो ये अच्छे हैं कि दो तीन किस्म के परिंदे थे और एक ही दरख्त के ऊपर ऊपर की तरफ शाखाओं में बैठे थे, और इस वक्त सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा थी और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। अभी मैं आ चुकी हूँ मॉरिसन्स, यहाँ से मुझे ग्रोसरी करनी थी और फिर ग्रोसरी करने के बाद जाऊँगी B&M, वहाँ से भी कुछ एक तो चीज़ें ज़रूरी मुझे चाहिए थी। और इन दोनों शॉप्स के बाद मैं जाने वाली हूँ आज एक पाकिस्तानी शॉप पर और आप लोगों को भी साथ लेकर जाऊँगी। मैं तो वहाँ गई हूँ और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं पाकिस्तान घूम कर आई हूँ। और मुझे कुछ क्वेश्चंस आए थे कि वहाँ पर कोरोना के क्या हालात हैं, तो ये बताती चलो कि यहाँ भी बहुत बुरे हालात हैं, बहुत तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन इसके बावजूद सब लोग इसे इग्नोर ही कर रहे हैं। पहले हम जब बाहर जाया करते थे तो काफ़ी लोग मास्क पहनते थे, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी मास्क वाला कोई एक तो इंसान ही नज़र आएगा। मैंने यहाँ तक भी नोट किया है कि डॉक्टर सर्जरी में भी जब लोग एंटर होते हैं तो विदाउट मास्क ही एंटर हो रहे हैं, वहाँ से जा के लेकर पहन लेते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ रूल्स लगा रखे हैं अभी भी, लेकिन काफ़ी सारी जगहों पर मास्क को इग्नोर किया जा रहा है। जिनके बच्चे प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं उन पेरेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि बच्चे जब जाते हैं तो जाहिर सी बात है बच्चों ने इकट्ठे बैठना भी है, खेलना है, खाना पीना भी इकट्ठे ही है। तो 6 घंटे बच्चे जब बाहर गुजार के घर में आते हैं तो उनके साथ तो डेफिनेटली ऐसी कोई चीज़ अगर एक बच्चे को है तो दूसरे को ज़रूर आ जाती है। तो फिर बच्चों के ज़रिए पेरेंट्स को लग रही है, ग्रैंड पेरेंट्स को लग रही है, लेकिन अभी न्यूज़ में उस तरह से नहीं दिखाते हैं जिस तरह पहले दिखाते थे। बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी सारी मुश्किलें दूर करें और इस वायरस से हमें निजात दें। आमीन सुम आमीन। मॉरिसन से शॉपिंग करने के बाद मैं आ चुकी हूँ यहाँ B&M, और यहाँ से मुझे चाहिए थी अपनी बेटी के लिए वाटर बॉटल, और जो उन्होंने मुझे बताई थी वो मुझे यहाँ पर मिल नहीं रही थी। पहले जब मैंने आपसे एक व्लॉग में शेयर भी किया था, मैंने डुनैम से ली थी और वो बॉटल बहुत दिन तक चली है। ना सिर्फ वो अपने साथ लेकर जाती थी बल्कि जब वो घर आती थी तो फिर उसको वॉश करके घर पर भी उसे यूज़ किया जाता था। बहुत दिन तक वो चली है और अभी भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन साइड पे उसके स्क्रैचेस वगैरह आ गए हैं क्योंकि ऑब्वियसली बैग के अंदर हमने रखनी है तो दूसरी चीज़ों के साथ लगती है, तो उसका कलर थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो उसकी वजह से फिर नई बॉटल चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर वही बॉटल्स थी जो आज से तकरीबन 1-2 साल पहले थी, और इनमें से ऑलमोस्ट सभी जो आपको दिखाई दे रही हैं ज़्यादातर मेरे घर में यूज़ हो चुकी हैं। और अभी मेरी बेटियाँ पिंक कलर की कोई चीज़ लेती भी नहीं हैं क्योंकि वो बड़ी हो गई हैं, तो कोई और देख रही थी, लेकिन यहाँ पर वीडियो बनाने का ये फ़ायदा हो गया कि उन्होंने जब वीडियो में देखा तो ये सारी की सारी बॉटल रिजेक्ट कर दी, उन्होंने बोला इनमें से कोई भी नहीं चाहिए। तो अभी मैंने सोचा है कि दोबारा से मैं जब कभी डुनैम जाऊँगी तो वहाँ पर जाके देखती हूँ, शायद उनकी मर्ज़ी से मिल जाए। मेरे व्लॉग्स इतने लेट क्यों आते हैं और मैं डेली व्लॉगिंग क्यों नहीं करती हूँ, इसके बारे में तकरीबन हर रोज़ मुझे क्वेश्चन आता है, कहीं ना कहीं कमेंट आ जाता है या फिर मुझे इंस्टा पे पूछा जाता है। वैसे तो मैं साथ ही साथ आंसर करती रहती हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत बार ये पूछा जाता है, तो वैसे मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स में ये बात शेयर की है, एक बार फिर आज करती हूँ। अगर किसी ने इस वीडियो को फुल देखा तो उनको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे देखने वाले हैं जो सिर्फ 1 या 2 मिनट की वीडियो देखते हैं और उसके बाद वीडियो नहीं देखते हैं, इसलिए उन्हें समझ नहीं आती है। लेकिन ज़्यादातर जो हमारी वीडियोस को पहले से देखते हैं उनको पता है कि मैंने इस चीज़ का आंसर किया है। मैं एक जॉब भी करती हूँ, उसके अलावा मेरे बच्चों की, मेरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, और ये ऐसी ज़िम्मेदारी है जिसे मैं चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकती हूँ, और इस ज़िम्मेदारी से हट कर कोई और काम भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों के साथ रहना, बच्चों के लिए काम करना, अपनी फैमिली के लिए काम करना बहुत ही अच्छा लगता है। ये ना सिर्फ मैं बल्कि दुनिया की हर माँ यही चाहती है कि अपने बच्चों की तरबियत खुद करे, अपने बच्चों को खुद अपने हाथों से खाना वगैरह बनाकर दें और उनकी ज़रूरियात को पूरा करें, और यकीनन सभी माएँ मेरे साथ एग्री भी करेंगी। और
और अभी मैं यहाँ आ चुकी हूँ एक पाकिस्तानी शॉप पर, और यहाँ आकर एक मिनट के लिए मुझे बिल्कुल ऐसे लगा कि मैं पाकिस्तान ही घूम रही हूँ। यहाँ देखिए कितने खूबसूरती से इन्होंने पाकिस्तान की तरह बर्तन सजा रखे हैं, और इसके अलावा ये जो देगचे आपको दिखाई दे रहे हैं, आप यकीन मानिए ये जो सबसे नीचे है ये पूरी एक देग के जितना देगचा है, और ये मैंने पहली बार इतना बड़ा देखा है। मैं पाकिस्तान काफ़ी साल पहले गई थी इसलिए मुझे बिल्कुल पाकिस्तान की प्राइसेस का कुछ भी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए ये जो सबसे नीचे वाला देगचा है ये 89 पाउंड 99 पी, यानी कि पाकिस्तानी प्राइस के हिसाब से ये 21,000 रुपये का एक देगचा बनता है। और यहाँ पर देखिए मिट्टी के इतने प्यारे प्यारे बर्तन जिनमें मुझे दिखाई दी एक बिल्कुल नई चीज़। ये देखिए ये जो मिट्टी का कूलर है, जो वाटर कूलर है, ये मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा है और मुझे इतना ये प्यारा लग रहा था। देखिए इस पर कितनी नफासत से हाथों से काम किया गया है और इतना प्यारा इसके ऊपर पैटर्न बनाया गया है। ये देखिए आगे की तरफ इसकी टैप लगाई गई है। जिन्होंने भी बनाया है या जिनका ये आइडिया है उनको सलाम पेश करती हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा आइडिया बनाया और ये यूके में भी देखिए लोग लेते हैं। यहाँ यूके के काफ़ी सारे व्लॉगर्स को मैंने देखा है कि वो इन दिनों मिट्टी के बर्तनों को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है मिट्टी के बर्तन को इस्तेमाल करने का, इसलिए मैंने नहीं लिया। कभी फ्यूचर में अगर मेरे पास अगर किचन बड़ा हुआ तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कुछ लेने के लिए, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती हूं। लेकिन देखने में ये बहुत प्यारे लग रहे थे। आज मैं यहां पर एक्चुअली आई थी लेने के लिए प्रेशर कुकर, जो कि मैंने ले लिया है और इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपसे शेयर भी करूँगी। प्रेशर कुकर मेरा जो पुराना वाला था वो थोड़ा सा ख़तरनाक हो गया था, उसके साइड से स्टीम बाहर आ रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने उसका ऊपर वाला जो स्टीमर होता है वो और अंदर वाला रबर निकाल के कहीं रख दिया है, और कहाँ रखा है मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, क्योंकि वो हमेशा इसी तरह करते हैं कि कोई भी घर की चीज़ थोड़ी सी अगर लगे कि ये खतरे में है तो वो चीज़ को वहाँ से फ़ौरन से हटा देते हैं और कहते हैं कि नहीं ले लो या इस्तेमाल ही ना करो, क्योंकि ख़तरनाक चीज़ इस्तेमाल करना मीन के अपने लिए खुद ही मुसीबत को दावत देना। तो बेहतर यही है कि इसे एक साइड पर ही कर दिया जाए, लेकिन मैं उस प्रेशर कुकर का जो ढक्कन वगैरह है उसे तो मैं साइड पे कर दूंगी, लेकिन प्रेशर कुकर को मैं स्टिल उसका जो नीचे वाला पॉट है वो मैं यूज़ करूँगी। पहले भी मेरा एक प्रेशर कुकर ख़राब हुआ था तो उसका पॉट अभी तक मैं यूज़ कर रही थी, लेकिन अभी उसे फेंक दूँगी और ये जो पुराना हो गया उसको इस्तेमाल करूँगी, और जब मुझे कोई चीज़ गलाना होगी तो न्यू प्रेशर कुकर इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि जो प्रेशर कुकर का पॉट होता है उसका मटेरियल बहुत ही अच्छा होता है और वो नीचे से इतनी जल्दी चिपकता भी नहीं खाना, और बहुत अच्छा खाना उसमें बनता है। जो पीछे आपने वीडियो क्लिप देखा है वो एक छोटा सा प्रेशर कुकर था 3 लीटर, तो मैंने सोचा मैं उसका छोटा सा वीडियो क्लिप कैप्चर कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे हाथ के जितना कुकर था, इतना मेरे काम में तो नहीं आता, लेकिन मैंने जस्ट उसकी एक यादगार सी वीडियो ले ली। लेकिन वो टूटा था साइड से, तो एक साइड पर पड़ा था तो देखने का वो मौका मिल गया हमें। वैसे यहाँ पैकिंग से इतनी जल्दी चीज़ को निकाल कर हम नहीं देख सकते हैं। और यहाँ से मुझे चाहिए थी रोलिंग पिन, लेकिन जितनी भी ये रोलिंग पिन पड़ी थी इन सब के ऊपर मोल्ड बना था कहीं ना कहीं, या फिर जो इनके ऊपर वुड इस्तेमाल की गई थी वो कहीं ना कहीं से टूटी थी, इस वजह से मैंने यहाँ से नहीं लिया। और ये जो चीज़ें होती हैं ये हर रोज़ ली भी नहीं जाती हैं, क्योंकि इन पर अगर हाथ बैठ जाए तो ही काम करने का मज़ा आता है। जैसा कि एक बार मैंने आपसे जिक्र किया था घर में जो मेरे पास तवा जो मैं इस्तेमाल करती थी उसका, क्योंकि जब मैंने नई व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो उनमें पुराना तवा मैं इस्तेमाल किया करती थी, तो काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था कि आप न्यू तवा क्यों नहीं ले रहे, तो उसका रीज़न मैंने पहले भी बता दिया था, लेकिन वो मेरी अम्मी ने तवा दिया था। बेशक वो ख़राब हो गया है, मेरे पास इस वक्त 2 तवे घर पर मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद उसको मैंने क्यों अपने पास और सामने ही रखा है, क्योंकि वो मेरी माँ की निशानी है मेरे पास। मेरी अम्मी अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो मेरी अम्मी ने मुझे दिया था, तो कुछ ऐसी चीज़ों से अटैचमेंट होती है कि हम उन्हें फेंक नहीं सकते या कहीं भी अलग नहीं रख सकते हैं। वहाँ से शॉपिंग करने के बाद अभी इसी के साथ एक पाकिस्तानी सुपरमार्केट थी, मैं यहाँ पर आई हूँ। यहाँ से मुझे कुछ सामान चाहिए था और बिरयानी मसाला वगैरह भी चाहिए था, तो मैंने सोचा यहीं से पिक कर लेती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल पास था और सामने बिल्कुल गाड़ी की पार्किंग भी मुझे मिल गई थी, तो यहाँ से ले लेना मुझे बेहतर लगा। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ दिन से ऐसे लग रहा है कि चीज़ों की प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है, ना सिर्फ देसी स्टोर्स में बल्कि इंग्लिश स्टोर्स में भी प्राइसेस काफ़ी हद तक ऊपर गई हैं, और बहुत वाज़े फ़र्क लग रहा है। जो लोग रेगुलर शॉपिंग करते हैं किसी जगह से उनको फ़र्क लगेगा। हम जहाँ जहाँ से रेगुलर शॉपिंग करते हैं, अगर एक वीक पहले हमने शॉपिंग की है तो अगर हम नेक्स्ट वीक गए हैं तो प्राइसेस में काफ़ी मुझे फ़र्क लगा है।
और ये थी सारी जो मेरी मॉरिसन्स B&M की शॉपिंग और देसी स्टोर की शॉपिंग। यहाँ पर कुछ मसाले मेरे जो फिनिश थे वो सारे लेके आई हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा अहमियत इस मसाले को दी जाती है क्योंकि वीक में एक बार बिरयानी ज़रूर बनती है। मैं बिरयानी में घर के मसाले के साथ ये थोड़ा सा ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ, इससे बहुत अच्छी खुशबू होती है और मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और ये कुछ मसाले जो फ़िश मसाला, चिकन टिक्का मसाला फिनिश थे वो मैं लेके आई हूं। ज़्यादातर लजीज़ा मसाला ही इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि शान और नेशनल के मसाले इतने ज़्यादा मेरे घर में पसंद नहीं किए जाते हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा लेके रख लूँ। और वैसे भी ये एकदम से ही शॉप से गायब हो जाता है और फिर मिलता नहीं, और अगर मिलता भी है तो इसकी प्राइस हमेशा जब भी मैं खरीदती हूँ कुछ कुछ पैन ऊपर गई होती हैं। और अभी तो ये काफ़ी हद तक इसमें फ़र्क आया है, एक साल में ही इसकी कीमत में तकरीबन £1 ज़्यादा किया गया है। इस ग्रोसरी के अलावा कुछ और शॉपिंग भी थी जो मैंने आते साथ ही स्टोर रूम में रख दी है, जिसमें राइस पैक था, डिटर्जेंट पाउडर, टॉयलेट पेपर्स, किचन पेपर्स और उसके अलावा एक और चीज़ था, हाँ, कुकिंग ऑयल था। तो वो काफ़ी हैवी चीज़ें थी, उनको फ़ौरन से ही लाते साथ ही मैंने स्टोर रूम में रख दिया है क्योंकि यहाँ डाइनिंग रूम में इतनी जगह नहीं थी। और जिनके घर में बच्चे हैं, बल्कि बड़े भी, ये मिनी एग्स बहुत शौक से खाते हैं, तो ये हम पाउंडलैंड से एक पैकेट £1 का लेते हैं, लेकिन यहाँ मॉरिसन्स में पैक ऑफ 10, इस बड़े बैग के अंदर 10 छोटे छोटे पैकेट्स हैं जो मुझे मिला है £4 का। और इसकी अगर आपको, आप वीडियो को पीछे से देखेंगे तो जब मैं खरीद रही थी तो मैं पास से दिखा भी रही थी कि आप उसका डिफरेंस देख सकते हैं, ग्राम्स का डिफरेंस देख सकते हैं और पैकेट्स का भी देख सकते हैं। जब हम सिंगल पैकेट लेते हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव बनता है, जब हम इस तरह से एक मल्टी पैक लेते हैं तो उसमें प्राइसेस के हिसाब से बहुत लेस प्राइस बनती है। और ये बहुत गुड प्राइस में मुझे मिला है क्योंकि बच्चे शौक से खाते हैं, कभी चलते फिरते, कभी स्नैक हाथ में लेना हो या कुछ खाना हो तो इस तरह की चीज़ें मैं घर में ज़रूर रखती हूँ। और यहाँ पर ये नूडल्स जो इन दिनों बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और ये वर्ल्ड्स स्पाइसीस्ट नूडल्स में गिने जाते हैं। इसमें जो स्पाइसेस हैं वो दुनिया की सबसे ज़्यादा स्पाइसी चिली से बनाए गए हैं और ये हलाल हैं। यहाँ ये देखिए, ये ऑप्शन में लिखा है, लेकिन जो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो बच्चे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब मैं फ़र्स्ट टाइम लेके आई थी तो मेरी बेटी ने थोड़ा सा इसमें से सॉस निकाल के लिया था, जो कि उनको हेल्थ इश्यू भी हो गया था उसके साथ, तो हमने फिर उसके बाद से सॉस बिल्कुल भी मना कर दिया कि सॉस नहीं लेना है। तो बस अपना ही जो टमाटो सॉस वगैरह होता है वो लेके बच्चे खा लेते हैं। और ये मेरी रेड किडनी बीन्स भी फिनिश थे, ये मैं लेके आई हूँ। और एक तो और चीज़ें थी, उनको मैं उनके इस तरह से जार्स में डालूँगी। और आज का व्लॉग भी मेरा यहीं तक था, आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं मिलती हूँ बहुत जल्द किसी नए व्लॉग के साथ, तब तक आप सब लोग अपना बहुत ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।